दिल्ली के केशवपुरम जोन में एमसीडी ऑफिस में भीषण आग लगने की सूचना मिली, जिसके बाद आनंद फानन में दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची, जिसमें आपको बता दें कि कई सारा जो सामान है जलकर खाक हो गया। आग इतनी भयानक थी कि गनीमत रही कि ईद के दिन यहां पर जो लोग हैं उनको किसी तरीके का जान माल का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन एमसीडी जोन के पार्क में जिस तरीके से जो सामान रखा था वो जलकर खाक हो गया। इन तस्वीरों को देखिए किस तरीके से यहां पर जो है फायर टेंडर के जो कर्मचारी आग बुझाते हुए नजर आ रहे हैं। यहां पर एमसीडी के द्वारा जब्त किया गया सामान में आग लगी थी। जी हाँ, लगातार इंक्रोचमेंट का जो सामान है एमसीडी के द्वारा उठाया जाता है, उसके बाद इनको स्टोर में रखा जाता है और उसी स्टोर में ये भीषण आग लगी थी, जहाँ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जी हाँ, दिल्ली के केशवपुरम जोन के एमसीडी ऑफिस की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर ये शाम मंगलवार को भीषण आग लगने की जो सूचना है दमकल विभाग को तकरीबन 5:30 बजे मिली थी। उसके बाद आनंद फानन में कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने में काफ़ी देर लगी, लेकिन जब तक आग बुझाई गई तब तक यहां पर जमा किया गया सारा सामान जो है जलकर खाक हो गया। आरसू न्यूज की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा तरीन खबरों को पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट www.rsonynews.com पर विजिट करें, जहाँ पर आपको देश दुनिया की तमाम खबरें मिलती हैं। आर सोनी न्यूज के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र कुमार के साथ संजय सिंह की खास रिपोर्ट, आप आर सोनी न्यूज पर देख रहे हैं। क्या हुआ, ये कैसे जानकारी मिली, क्या पता चला? क्योंकि अभी हमें फोन आया था आधा घंटा पहले, जैसे ही आग लगने का पता चला मैं नजदीक ही था, मैं यहाँ पहुँच गया हूँ, सभी अधिकारी भी हमारे यहाँ पहुँच चुके हैं, क्योंकि जिस प्रकार से गर्मी पड़ रही है और बाकी तो अभी जो फायर फील्ड के अधिकारी आकर बताएंगे कि क्या हुआ है, लेकिन जो लग रहा है कि शायद शॉर्ट सर्किट के कारण ऐसा हुआ है। और इसमें जो डंप जो हमारे होते हैं, व्हीकल्स होते हैं जो कोई लेकर नहीं जाता है, जनरली क्या होता है कि जिनको हम उठाते हैं उनको एक हफ्ते दो दिन चार दिन के अंदर लोग छुड़वा के ले जाते हैं, और बहुत से ऐसे व्हीकल्स होते हैं जिसको कोई उठाता नहीं है, जो डंप होते हैं, कंडम होते हैं, तो वो वहाँ पड़े रहते हैं, तो उसके कारण उसमें नुकसान हुआ है, लेकिन उसकी पूरी भरपाई चेक हम करेंगे। अभी हमारे सभी अधिकारी आ रहे हैं, क्या क्या चीज़ें यहाँ पर पड़ी थी सारी। किस चीज़ का गोदाम है ये? इसको हमारे यहाँ पर जो भी गाड़ियाँ उठाई जाती हैं या जो सामान उठाया जाता है, जो सड़कों पर लावारिस होता है या एंक्रोचमेंट के रूप में वहाँ पड़ा होता है, या पुराना जो कोई सामान होता है जो हमारे अधिकारी उठाकर लाते हैं वो यहाँ पर हम डालते हैं, उसके बाद यहाँ से जो जो व्यक्ति होता है जिसकी चीज़ होती है उठाकर ले जाता है, तो जो रह जाती है या कोई ऐसी चीज़ होती है जिसकी कोई ज़रूरत नहीं होती लोगों को, वो नहीं ले पाते, तो वो यहाँ पर होती है। क्या कितने का नुकसान लग रहा है, क्या हो सकता है यहाँ पर? अभी इसके लिए अभी कुछ नहीं बता सकते जब तक कि हम इसकी सारी चेक नहीं कर लेंगे, लेकिन अभी हमारे सभी अधिकारी यहाँ पहुँच चुके हैं सारे, इसके लिए अभी पहले हमारी प्रायोरिटी ये है कि इसको हम कंट्रोल में करें और जल्दी से चीज़ों को जो बचाया जा सके उसको बचाएँ। ठीक है, पारस कुमार, स्टेशन ऑफिसर, दिल्ली फायर सर्विस। सर, क्या कॉल मिली थी आपको? यहाँ पे कॉल मिली थी कि एक मलबे के अंदर एमसीडी ऑफिस के अंदर फायर है। अब यहाँ आने के बाद पता चला कि काफ़ी सारा मलबा जो था एमसीडी में जो इकट्ठा करते हैं, जैसे बोर्ड है, होल्डिंग्स है, जो पुरानी कार से होती हैं वो यहाँ पे लेके स्टोर करते हैं, उसके अंदर फायर था। उसको यहाँ पे अच्छे तरीके से बुझा लिया गया है, इसमें किसी को इंजरी नहीं है कोई किसी प्रकार की। कोई कितने बजे की कॉल टाइम थी, कितनी गाड़ियाँ? 5 बजे की कॉल है और इसमें 5:30 का कॉल है, और इसके अंदर 8 गाड़ियाँ यहाँ पे स्पॉट पे पहुँची है। अच्छा। और जिसने फायर फाइटिंग किया और उसके बाद में फायर को एक्सटिंग्विश किया। सर, कितने स्पेस में जो है ये गोदाम बना हुआ? ये 1000 मीटर स्क्वायर बता रहे हैं, 3000 मीटर स्क्वायर के अंदर एरिया है। कोई इंजरी इसमें? सर, इंजरी किसी को नहीं है इसके अंदर। कितनी गाड़ियाँ जली कुछ पता चल पाया अभी तक? गाड़ियाँ 5 गाड़ियाँ है और 2 टेम्पो है इसके अंदर जो जल चुके हैं इसके अंदर। अच्छा, ठीक है सर।